लोगों को बराबर से शौचालय की सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ पर रोज़ाना करीबन 1500 से ज़्यादा लोग आते हैं और आप देख सकते हैं कि शौचालय की कितनी बुरी हालत है। इसी के वजह से यहाँ पे हमेशा लोगों को बीमार होने का डर लगा रहता है और कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। ये हरगड़ी साफ नहीं होता है और यहाँ का मैला जो गटरा से छोड़ा जाता है उससे पूरे एरिया को पूरा गंदगी होता है, बीमार पड़ रहा है सब और कोई ख्याल नहीं करता है। अभी तो यहाँ तो जो टॉयलेट के हालत आप देख ही रहे हैं, जितनी गंदगी फैली हुई है अंदर जाके टॉयलेट के पटवार शुद्ध लोग देखो, स्पॉट देखो कितना गंदगी टूटी फूटी है, कीड़े मकोड़े कितने अंदर है, बच्चों लोग कैसे बैठेंगे, बूढ़े लोग कैसे बैठेंगे, चारों तरफ से पानी कभी जाम हो गया तो गटर ड्रेनेज जाम होता है, चारों तरफ से पानी फैल जाता है। लेडीज का ज्यादा हाल है, टॉयलेट की बहुत सारे प्रॉब्लम है। देखिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो पूरा टूटा हुआ है, उसके अंदर का भी बैठेगा बच्चा या बड़ा अंदर ही चला जा सकता है, उसको पता नहीं लगे, घर वाला ढूंढते रहेगा मेरा बच्चा किधर गया, मेरा आदमी कहाँ गया, ऐसे नौबत ये बाथरूम का है। इसके हजारों दफे कंप्लेंट कर चुके, यहाँ अक्सर कोई देखने को आता नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट की सुनवाई होती है, खाली कार्रवाई कुछ नहीं होती। उसके अंदर हर आदमी को तो यहाँ पर देखे जाएगा तो कितने सारे आदमी लोग यहाँ खड़े हैं लेकिन कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। इधर हर कंप्लेंट देते बीएमसी में के दो, नगर सेवक को दो, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को अपील करती हूँ कि यहाँ की नगर सेविका मंगल कदम जी से निवेदन करके ये शौचालय रिपेयर करने का काम करा लीजिए। इनका नंबर है 9870740909। घाटकों पर नालंदा नगर मुंबई से मैं जुलेखा सैयद इंडिया अनहर्ड के लिए।